गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं पावर पॉइंट स्टडी। ठीक है, हम पावर पॉइंट स्टडी पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर। ये सुबह का 9 बजे का 10 बजे का बैच है, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, पावर पॉइंट स्टडी में डेली करंट अफेयर। ठीक है, और आज है 31 दिसंबर, मतलब साल का अंतिम दिन 2021। हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर। हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर आज साल का 31 दिसंबर 2021। ठीक है, और हम पढ़ेंगे 30 दिसंबर की, कितनी 30 दिसंबर की। क्या पढ़ेंगे, डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट पढ़ेंगे कैबिनेट आयुक्त द्वारा, कैबिनेट की नियुक्ति क्या है, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, कैबिनेट की नियुक्ति समिति, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, एसीसी। एसीसी ने क्या किया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फरवरी में, एक फरवरी 2023 तक अपने यूएनओ बैंक के, यूएनओ बैंक व यूएनओ बैंक के प्रबंधक क्या, यूएनओ बैंक के प्रबंधक निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिसको सीईओ कहा जाता है, इसके पद पर किसको नियुक्त किया, किसको एक इसके पद पर शंकर प्रसाद को नियुक्त किया। क्या हुआ, कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने 1 फरवरी 2023 तक यूएसईओ बैंक के प्रबंधक और निर्देशक और प्रबंधक निर्देशक और सीईओ के रूप में शंकर प्रसाद को क्या कर दिया, मतलब इनको कार्यभार संभालने के लिए नियुक्त कर दिया। वह ये मतलब शंकर प्रसाद जी 31 मई 2023 को सेवानिवृत्ति की आयु तक प्राप्त करने की तिथि, मतलब इनकी सेवानिवृत्ति की आयु है मई में। ठीक है, इनको क्या 1 फरवरी 2023 तक इस समय यूएनसीओ बैंक के प्रबंधक निदेशक और सीईओ के रूप में ये क्या करेंगे, कार्य संभालेंगे। और इनकी मतलब 60 साल की उम्र होने में इनको कितनी 31 मई 2023 तक का ही समय इनके पास, मतलब कि मतलब 2 महीने का, 3 महीने का कार्यकाल जो और कहीं करेंगे। ठीक है, इससे पहले ये क्या थे, एसबीआई के उप प्रबंधक थे, कौन थे, उप प्रबंधक निर्देशक, एसबीआई के क्या थे, उप प्रबंधक निर्देशक के रूप में अभी ये कारभार संभाल रहे हैं। ठीक है, उप प्रबंधक के रूप में कौन कारभार संभाल रहे हैं, शंकर प्रसाद जी। ठीक है, ये भी कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने, एसीसी ने 1 फरवरी 2023 तक के लिए शंकर प्रसाद को यूसीओ बैंक के प्रबंधक और निर्देशक और सीईओ के पद पर क्या कर दिया, आसित कर दिया। ठीक है, और ये 31 मई 2023 को सेवानियुक्त हो जाएंगे। ठीक है, सेवानियुक्त मतलब उनकी आयु पूरी हो जाएगी। इसके बाद इससे पहले एसबीआई के उप प्रबंधक निदेशक के रूप में कार्यभार संभाल चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत ने क्या किया, भारत ने 2015 के ब्रिक्स देशों में क्या हुआ, भारत ने 2015 के ब्रिक्स देशों के द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य को, किसके,
क्योंकि भारत ने 2015 में ब्रिक्स देशों के स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक के चौथे सदस्य जो कौन है मिस्र मिस्र को जोड़ा। ठीक है, चौथे चौथे सदस्य ठीक है, चौथे सदस्य के रूप में किसको मिस्र को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या है, चौथे सदस्य के रूप में मिस्र का स्वागत किया एक तरीके से। इन्होंने क्या कहा, भारत ने 2015 में ब्रिक्स देशों के माध्यम से एक न्यू डेवलपमेंट बैंक की शुरुआत की थी, जिसके चौथे सदस्य के रूप में अभी मिस्र को जोड़ा गया है। और सितंबर 2021 में क्या हुआ, सितंबर 2021 में बांग्लादेश संयुक्त अरब अमीरात और उग्रे को नए सदस्य के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, अभी सितंबर में ही इन्होंने बांग्लादेश संयुक्त अरब अमीरात और रुकने के मिनट हाँ उरुग्वे देश को भी शामिल किया। किसमें, विकसित न्यू डेवलपमेंट बैंक में। ठीक है, इस बैंक में ये चार सदस्य चौथे सदस्य के रूप में किसको नियुक्त किया, अभी चौथे सदस्य के रूप में अभी मिस्र को नियुक्त किया। ठीक है, किसने किया, भारत ने नियुक्त किया, कब किया, 30 दिसंबर को इन्होंने नियुक्त किया। क्या किया, सुमोगो झील और नाथुला दर्रा के गंग नाथुला दर्रा को गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी दूसरी सड़क का नाम चेंज करके क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी मार्ग क्या कर दिया गया, सुमंगो झील व नाथला सुमंगो झील और नाथला दर्रा को गंगटोक से जोड़ने वाली दूसरी सड़क का नाम चेंज करके क्या कर दिया, नरेंद्र मोदी मार्ग कर दिया गया। ठीक है, इसमें इसमें दो तीन चीजें और हैं, क्या किया, सड़क का नाम चेंज करके नरेंद्र मार्ग के नाम से फिर इसकी दूसरी सड़क का नाम चेंज किया गया। ठीक है, इसमें सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित यह सड़क कौन सी, सीमा किसके द्वारा निर्मित है यह सड़क, ये सड़क किसके द्वारा निर्मित है, सीमा संगठन द्वारा निर्मित सड़क, सीमा संगठन द्वारा निर्मित ये सड़क है। ठीक है, इसने इस सड़क ने क्या किया, गंगटोक प्लस सुमिंगो तुसुंगो झील कई क्या कर दिया, इन दोनों झीलों के क्या कर दिया, इन दोनों झीलों गंगटोक और सुमिंगो झील सुमंगो तुसुमंगो
झील का कितने 14 किलोमीटर की दूरी, 15 किलोमीटर की दूरी कम कर दी। कितनी? 15 किलोमीटर की दूरी क्या कर दी? कम। इस सीमा संगठन द्वारा निर्मित सड़क के द्वारा इन्होंने क्या किया, दो मतलब दो जगहों की 15 किलोमीटर की दूरी कम कर दी। ठीक है। इससे पहले इस रोड का नाम, नरेंद्र मोदी से पहले इस रोड का नाम क्या था? जवाहर लाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इस रोड का नाम था। ठीक है। इससे पहले इसका क्या नाम था? जवाहरलाल नेहरू इस नाम था इस रोड का। ठीक है। यूपी के झांसी में स्टेशन, झांसी स्टेशन का नाम वीरांगना लक्ष्मी कर दिया। ठीक है। क्या कर दिया? यूपी के झांसी स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई स्टेशन कर दिया। ठीक है। वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में तो सभी जानते होंगे, फिर भी कुछ पॉइंट। इन्हें सबसे प्रसिद्ध ये सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक थी। ठीक है। किसमें इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 1857 की क्रांति में विद्रोह किया था। 1857 की क्रांति, क्रांति में इन्होंने क्या किया था? एक तरीके से अपना नेतृत्व किया था और अपने झांसी को बचाने के लिए इन्होंने युद्ध किया था, जिसके लिए ये सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से एक थी, जिनकी क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता की सबसे पहली स्वतंत्र सेनानियों में से ये एक थी। ठीक है। चुनिंदा सेनानियों में से एक थी। इनके बाद ही फिर बहुत बड़े बड़े कांड हुए, मतलब कि झांसी, झांसी जब झांसी में जब मतलब एक तरीके से अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और रानी इस तरीके से लड़ी, तो और भी देश मतलब और भी मतलब राज्य के छोटे छोटे राज्य के राजाओं ने भी संगठित होकर इस क्रांति में भाग मतलब एक तरह से एक और क्रांति करने के लिए एक तरह से उनको क्या मिली, चिंगारी मिली। ठीक है। 18 जून 1858 में ग्वालियर में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए इसमें बताया गया कि 18 जून 1858 में ग्वालियर में ब्रिटिश सेना से लड़ते हुए इन्होंने वीरगति प्राप्त की थी। मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि 18 जून 1858 के बाद ग्वालियर में जब ब्रिटिश सेना से इनका क्या हुआ था, क्या बोलते, एक तरह से संग्राम हुआ था, उसके बाद ब्रिटिश सेना द्वारा इनका शव, ना तो इनका शव मिला ना किसी प्रकार की इस तरह की वस्तु मिली जिससे इनकी मृत्यु की पुष्टि की जा सके। ठीक है। मृत्यु की पुष्टि की जा सके, फिर भी इनको शहीद घोषित कर दिया गया। ठीक है। इन्होंने क्या किया, ब्रिटिश ने क्या कर दिया, शहीद घोषित कर दिया। इसके बाद इनका रानी का कोई पता नहीं चला, फिर मगर ब्रिटिश सेना ने उस टाइम इनको शहीद घोषित कर दिया। ठीक है। इलाहाबाद का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, प्रयागराज। ठीक है। मुगल सराय का नाम बदल कर क्या कर देगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। किसी भी शहर का नाम इसके रेलवे स्टेशन से ही जाना जाता है। ठीक है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, रेलवे स्टेशन का ही नाम चेंज कर दिया, तो शहर का भी नाम ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। और जो 18 और जो रानी से अंग्रेजों की लड़ाई किस वजह से हुई थी, क्योंकि एकदम उस टाइम एक अंग्रेज था जिसने क्या किया था, एक राज हड़प नीति चलाई थी, जिसके अंतर्गत डलहौजी ने एक राज हड़प नीति चलाई थी, जिसके अंतर्गत वीरांगना, ठीक है, जिसके अंतर्गत
जिसके अंतर्गत किसी राज्य में अगर किसी के पास संतान नहीं है तो वो किसी संतान किस संतान नहीं है तो वो किसी भी संतान को गोद नहीं ले सकती और अंग्रेजों को वो राज्य देना पड़ेगा। इसके लिए वीरांगना लक्ष्मीबाई ने क्या किया था, एक तरीके से इन्होंने संतान गोद ली थी, इनका इनका बच्चा हुआ था वो मर गया था, ठीक है, 9 साल के उम्र इनको बच्चा हुआ था वो मर गया था। इसके बाद इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों से अपने झांसी को छुड़वाने के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा जिसमें इनको वीरगति की प्राप्ति हुई। भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस भारत और तिब्बत सीमा सुरक्षा क्या हुआ, भारतीय तिब्बत सीमा के पुलिस सुरक्षा बल, ठीक है, पुलिस सीमा सीमा पुलिस सीमा पुलिस के क्या महानिदेशक रूप में किसको नियुक्त किया, संजय अरोड़ा को क्या किया गया, एक महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। अभी वर्तमान में कौन है इसके महानिदेशक, वर्तमान में इसके नेतृत्व कहेंगे कुमार राजेश चंद्र। ठीक है, कुमार राजेश चंद्र जो कि 31 दिसंबर को क्या हो जाएंगे, अपनी सेवा मतलब कल अपनी सेवा से हाथ मतलब रिटायरमेंट हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये इनको क्या काम सौंपा गया है, महानिदेशक संजय अरोड़ा को इनको काम सौंपा गया है कि SSV भारतीय सशस्त्र सीमा बल को मुख्य रूप से नेपाल व भूटान के साथ भारतीय सीमा की रक्षा करना है। ठीक है, अगर नेपाल और भूटान के साथ भारतीय सीमा की रक्षा, के साथ भारतीय सीमा की रक्षा, ठीक है, किससे करना है, नेपाल और भूटान से भारतीय सेना की भारतीय सीमा की रक्षा करना है। ठीक है, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली सतलज सतलज जल जल विद्युत निगम लिमिटेड देखो, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली, ठीक है, जो कि सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड और अरुणाचल प्रदेश के 5097 मेगावाट जल विद्युत दोहन के लिए कितने सरकार ने 60,000 करोड़ का निवेश किया, कितना 60,000 करोड़ का निवेश किया, राज्य के स्वामित्व वाली बिजली सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड व अरुणाचल प्रदेश में 5097 मेगावाट जल विद्युत दोहन करने के लिए किसने राज्य द्वारा और सरकार के द्वारा कितना 60,000 करोड़ का निवेश किया गया। इसमें अरुणाचल में, ठीक है, जो अरुणाचल में जे है क्या बोलते हैं, इस मेगावाट के लिए
इस मेगावाट के लिए 5 जल विद्युत परियोजनाओं, 5 जल विद्युत परियोजनाओं के आवंटन के लिए स्वीकृति मिल गई। ठीक है, स्वीकृति। कितनी? 5 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मिल गई अरुणाचल में 5097 मेगावाट की विद्युत सप्लाई करने के लिए, इसमें 5 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए स्वीकृति मिल गई। और एटलिन जल विद्युत प्रोजेक्ट कुल 5 में से एक है। ये मतलब ये मेगा प्रोजेक्ट में से क्या है? एक। एटलाइन जल विद्युत प्रोजेक्ट कुल 5 में से एक है। ठीक है, ये इतनी बड़ी परियोजना है जो कि राज्य के द्वारा 60,000 करोड़ का निवेश किया है, जिसमें सतलज के ऊपर जल विद्युत और अरुणाचल प्रदेश में 5,000 मेगावाट जल विद्युत परियोजनाओं का शुभारंभ होगा, जिसमें सरकार 60,000 करोड़ का निवेश करेगी। और यह है एटलिन जल विद्युत परियोजनाओं 5 में से एक है। ठीक है, इसके माध्यम से राज्य अपनी बिजली, पूरे राज्य की बिजली स्वतः ही उत्सर्जित कर सकेगा और नेशनल ग्रिड से जुड़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भारत सरकार ने नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा क्या किया? इन्होंने, सरकार ने नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार क्या किया? भारत सरकार द्वारा नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हरित ऊर्जा उद्योग में भारत 2014 से 2021 तक कितना 7.27 बिलियन डॉलर डॉलर का विदेशी निवेश कर चुका है। क्या? भारत सरकार द्वारा नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार भारत सरकार ने हरित ऊर्जा के लिए 2014 से 2021 तक 7.27 बिलियन डॉलर का निवेश FDI में कर दिया है। ठीक है, भारत में हाल ही में इसी के तहत भारत ने हाल ही में CO26। ठीक है, ये क्या है? एक तरीके ये कार्बन है। ठीक है, को शुद्ध 20 में शुद्ध कार्बन। ठीक है, क्या हुआ? भारत ने हाल ही में ग्लोबल साइन कॉपरेशन में भारत में शुद्ध उत्सर्जन कार्बन 2070 तक शून्य करने की बात कही और ये होगी। ठीक है, क्या भारत ने हाल ही में ग्लोसोंग में COP26 में शुद्ध कार्बन 2070 तक जीरो करने की बात कही है। इसके तहत भारत के पास चौथा देश है जिसके पास भारत में चौथी
चौथी सबसे ज्यादा पवन से ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब भारत में अभी तक चौथे स्थान पर पवन ऊर्जा से चौथे उस पर सबसे ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होती है, मतलब एक तरीके से हरित ऊर्जा प्राप्त कर रहा है। ठीक है, अभी तक भारत ने अपना कार्बन, ठीक है, 28% कम कर दिया है। ठीक है, जो कि पूरे विश्व में से 28% कम कर, मतलब भारत में जितना प्रदूषण करता था कार्बन का, उसका 28% कम कर चुका है। ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और है उसी में, पीएम मोदी द्वारा क्या किया गया, 17,500 करोड़ रुपए की कितनी 23 परियोजना शुरू की। ठीक है, 23 परियोजना का उद्घाटन किया। ठीक है, इसमें पिथौरागढ़ में सड़क परियोजना, ठीक है, पिथौरागढ़ में सड़क परियोजना चौड़ीकरण परियोजना, ठीक है, और एक जल विद्युत परियोजना और 6 परियोजना, एक जल विद्युत परियोजना सहित 6 और योजना, मतलब इस जल परियोजना के तहत 6 परियोजनाएं, ठीक है, इसमें मतलब 6 तरीके, एक जल विद्युत परियोजना के तहत इसमें 6 परियोजनाएं सहित है, मतलब इसके अंदर 6 परियोजनाएं, ठीक है, बस इतना ही इन्होंने काम किया, और भी जो 23 परियोजनाएं की उनके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं दी गई। ठीक है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है, क्योंकि अभी इसमें डेली करंट अफेयर लूसेंट भी आ रही है, 1 तारीख से लूसेंट का बैच स्टार्ट होगा। ठीक है, 6 शाम को 6 बजे आपको लूसेंट का मिलेगा, आप पूरी लूसेंट कराई जाएगी गारंटी के साथ। ठीक है, लाइक और शेयर नहीं करना भूलना, ठीक है, जो भी रह गए हों उन लोगों को ऐड कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं शाम को कल।